और तिरंगा, ये की आप है। तिरंगा को शायद एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देख रहे हैं सर। जब इंडिया के बारे में बिल्कुल कोई नहीं सोचता लगता। है ना, नहीं सुन लीजिए, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, जी, कोई इंडिया के बारे में सोचता है ना तो पहला सिंबल जहन में किसी के आता है तो वो तिरंगा ही है। मेरी बिल्कुल आपकी सही बात है। सबकी और पहचान मैं अगर देखो, कोई है और सबको एक साथ ला खड़ा करता है वो तिरंगा है। वो और तिरंगा अभी गौरव भाटिया बिल्कुल यहां आना है, जब मैं कह चाहिए। रहा हूं तो मुझे गूजबम्स आ रहे हैं सर। वही सेंटिमेंट है तिरंगा को लेकर। आप उसमें बीजेपी को क्यों ढूंढ रहे हैं? आप बीजेपी को क्यों वही ढूंढने वही लगे? मैं वही, जिस तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, जब हम सच बात कहते हैं, हक बात कहते हैं कि आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म की मुहिम आवाम के बीच में लाते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान को बीच में लाते हैं कि पाकिस्तान से इनको पैसा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको सच जो है वो कबूल करना चाहिए। आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप इस किस्म की मुहिम आवाम के बीच में लाते हैं। आपने हमारे लोगों के साथ और खास नहीं, करके आपको जम्मू कश्मीर तिरंगा, के अगर लोगों के साथ तिरंगा बहुत फहराने के बड़ा लिए अपमान कहा जा रहा है, मैं सिर्फ आपसे एक कर रहे समझना हैं। चाहती हूँ, आपने राजनीतिकरण की बात की, मुझे जी प्लीज 20 सेकंड में समझा दीजिएगा ताकि व्यूअर को समझ में आ जाए कि तिरंगा फहराने में, लहराने में, तिरंगा दिखाने में दिक्कत क्या है। बस इतना समझना चाहती हूँ मैं। कोई दिक्कत, मैंने पहले कहा कि कोई भी दिक्कत जब कोई नहीं है। दिक्कत नहीं पंद्रह है अगस्त तो फिर को हम झंडा बयानबाजी क्यों हो फहराते रही हैं, है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जम्मू बयानबाजी क्यों हो रही कश्मीर है फिर? के लोगों के साथ मैं हमें एक दुख है जरूर कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के साथ नाइंसाफी की है। हम पहले भी तिरंगा जो है लहराते आए हैं। हाँ, उसमें फर्क ये था कि हमारी रियासत का अपना झंडा भी उसके हाँ, साथ आपको अपने जो है झंडे की टीस वो है। अब लहराता था, ये इस्लामी अपना झंडा फोर्सेस के नहीं साथ सर, तिरंगा लहराता आपका था। झंडा है, अब मेरा हम झंडा है, हम बिल्कुल सबका झंडा है। नहीं, हमारी रियासत तिरंगा का, हम हमारी सबका है रियासत सर। का अपना झंडा नहीं नहीं जो ये हम सब डिवाइड बनाया आपने गया, क्रिएट उसके किया लिए हुआ हम है, ये कानूनी डिवाइड लड़ाई आपके से लड़ सियासत रहे ने हैं। क्रिएट किया हुआ है सर, और ये डिवाइड हम आपके भारतीय सियासत जनता ने क्रिएट पार्टी किया हुआ है। और डिसीजन आप जो बातें करें, अपना करते हैं झंडा उसको सर, लड़ेंगे, तिरंगा ही अपना कानूनी झंडा है, लड़ाई लड़ेंगे, आपका भी और सुप्रीम मेरा कोर्ट में भी। हमारा मसला ठीक है। है, जवाब लीजिए और गौरव मैं भाटिया। समझता हूं कि गौरव हमारा फर्ज, भाटिया, इन्होंने ये कहा, जब भी हम बीजेपी से सवाल पूछने लगते हैं आप पाकिस्तान को ले आते हैं। देखिए, पाकिस्तान डिपेंडेंट पार्टी तो पाकिस्तान की ही बात करेगी, पीडीपी, पाकिस्तान डिपेंडेंट पार्टी। और मैं तो आज हिंदुस्तान की बात करूंगा, हिंदुस्तान के संविधान की बात करूंगा, लेकिन ये याद दिलाते हुए करूंगा अदिति जी, कि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पाकिस्तान से बात करिए कश्मीर मसले पे। अरे भाई, कौन होती हो आप ये सलाह देने वाली? जिस पार्टी हमारे को आप जवानों पाकिस्तान को की पार्टी मारेगी कहते वहां हैं, की उसी कायर पार्टी के सेना। साथ हाथ और मिला के हम आपने 3 साल शांत, तक बीच में मत लगातार बोलिए, जम्मू कश्मीर शांत में जो है कराइए, पावर एंजॉय फारूक की वो, इंकलाबी, शांत उनकी बात कराइए। पूरी हो जाने दीजिए सर। जब आपने आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया ना आपको, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, जी, तो आप अपनी बारी में बोलेगा सर। मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, डिबेट ही मैंने आपसे शुरू की, सुन लीजिए उनका जवाब। गौरव भाटिया, 40 सेकेंड्स प्लीज। हाँ, धन्यवाद। देखिए, मैं संविधान अपने हाथ में लेके आया हूं और इन लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए। भारत का संविधान हर नागरिक पे लागू होता है। और मुझे आप अदिति जी ये जरूर बता दीजिएगा कि ये भारत के ही नागरिक है ना जिनसे मैं डिबेट कर रहा हूं। इसमें अनुच्छेद 51 का है, मूल कर्तव्य, ये इनके कर्तव्य है, महबूबा मुफ्ती के, इनके, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। पहला मूल कर्तव्य क्या कहता है पढ़ देता हूं। कहता है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब आप मुझे बताइए, कर्तव्य ही ये है कि उसका आदर करना है। और अगर घर पे तिरंगा पहुंचेगा तो इससे इनको इंसल्ट लग रही है। आप बताइए अदिति जी, क्या अगर तिरंगा घर पहुंचता है और तिरंगा लगाया जाता है तो वो इंसल्ट, अपमान हो सकता है किसी घर का? ये इनकी जहरीली सोच है। दूसरी बात, आज मुझे याद आ रही है राइफल मैन औरंगजेब की। राइफल मैन औरंगजेब मारा गया, उसने देश के लिए शहादत दी और उसकी मां ने कहा, मेरे दो बेटे हैं, एक बेटा मारा गया, दोनों आर्मी में जाएंगे। और ये राष्ट्र ध्वज के लिए उनकी प्रतिबद्धता थी। दोनों बेटों ने ये शपथ ली कि वो तिरंगे के सम्मान में खड़े रहेंगे। हमारा देश वो देश है। अब इनकी क्या सुने, महबूबा मुफ्ती की क्या सुने, बताइए आप मुझे। ठीक है, कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले तिरंगा यात्रा को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि तिरंगा यात्रा सबके लिए है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जवाब में कहा कि कांग्रेस अपना कार्यक्रम करेगी, बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा में कैसे शामिल हुआ जा सकता है।
सरकारी कार्यक्रम को अगर राजनीतिक कार्यक्रम बनाया जाए तो कांग्रेस उसमें शामिल नहीं होगी। सुनिए, 75 वर्ष के इस संदर्भ में हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना ये हमारा उद्देश्य है, तो इसके लिए एक देशभक्ति जागृत होना, स्वाभिमान जागृत होना, देश के प्रति एक सम्मानजनक भावना सभी मन देशवासियों के मन में आना चाहिए, ये हम सोच के सद्भावना आना चाहिए, ये सोच के हमने किया है। देश कौन देशभक्त है सब जानते हैं, कितना देशभक्ति है कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जो अखबार निकाला गया था आज़ादी की वो जंग के समय, उनके खिलाफ आज जिस घिनौने साजिश हो रहे हैं उसको भी थोड़ा याद करो और उसको भी देखा करो। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे। सैयद असीम वकार हमारे साथ है। सैयद असीम वकार, ये तिरंगे पर तेरा मेरा राजनीति अपनी शिनाख्त अपनी पहचान ढूंढ रही है उसमें? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। आपको कैसा लग रहा? मुझे भी नहीं लग रहा है कि कहीं तिरंगे पर कोई विरोध है। नहीं, कोई विरोध तिरंगे पर नहीं है, तिरंगे का कोई विरोध कर ही नहीं सकता। तिरंगा किसी धर्म विशेष, दल विशेष, पार्टी विशेष का नहीं है, तिरंगा भारत का है और भारत के सभी रहने वाले जो भारत में विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, वो तिरंगे से इनकार नहीं कर सकते। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं तिरंगे का विरोध है। अच्छा, ठीक है, ना ही कोई कर सकता है। ठीक ठीक ठीक, शफीकुर रहमान बग क्या ये अलग बात है। हाँ। ये अलग बात है, बोलिए, बात पूरी कीजिए। सुनिए, ये अलग बात है कि बहुत से दल हैं भारत में, सारे दल अपने तरीके से अमृत महोत्सव मनाएंगे। इससे पहले भी आजादी का पर्व मनाया जाता रहा है, इसके बाद भी मनाया जाता रहेगा, हर दल अपने अपने हिसाब से बनाएगा, लेकिन सभी दलों के जो अमृत महोत्सव या आजादी का पर्व होगा उसमें तिरंगे के बिना कोई भी दल आजादी का पर्व नहीं मनाएगा, इस बात की गारंटी है मुझे यकीन है इस बात का। अगर आपको लगता है कि नहीं तिरंगे के बिना कोई मना लेगा तो उसका नाम बताइए, यहां खुलासा कीजिए। ये हो सकता है कि सारे दल इकट्ठा ना खड़े हों, एक प्लेटफॉर्म पे ना खड़े हों, हाथ में हाथ डाल के ना खड़े हों, हो सकता है कोई अपने ऑफिस पे हो, कोई अपने ऑफिस पे हो, कोई रैली निकाले, कोई पैदल मार्च निकाले, कोई और प्रोग्राम करे, लेकिन तिरंगे के बिना किसी का प्रोग्राम नहीं होगा। तो ये आरोप मैं समझता हूं बेबुनियाद है कि जो बीजेपी या बीजेपी की सरकार के साथ नहीं है वो तिरंगे का विरोधी है, मैं इस बात को नहीं मानता। बिना तिरंगे के आजादी के पर्व को सोचना एक आतंकवादी की गतिविधि होगा और बिना तिरंगे के कोई इसको मनाना भी नहीं चाहेगा। मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी। मैं तो जब से मैं स्कूल जाने लगा मैंने हो संभाला, मैं हर आजादी के पर्व पर तिरंगा लेकर चलता हूं। ठीक, आप भी चलती होंगी। हाँ, बीजेपी के लोग 50 साल तक नहीं लेके चले, आरएसएस वाले। तो मैं समझता हूं जो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं वो पहले तो इस बात की माफी मांगे कि उन्होंने 50 साल लगातार एक गलती की। वो जो गलती हो गई, लेकिन उस गलती पे शर्मिंदगी हो या माफी होना चाहिए। ठीक है, जवाब।